नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या लाडली बहना योजना बंद होने वाली है या फिर 1500 रुपए या फिर 3000, क्योंकि नए आदेश के बाद खलबली देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अन्य बड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर, नए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान हुआ है और एक्शन में सीधे तौर पर आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर काम भी शुरू कर चुके हैं। अवैध लाउड स्पीकर को भी यहाँ पर बड़ा ऐलान हुआ है और अब लाउड स्पीकर करना शुरू होगा। इसके अलावा बात की जाए तो लाडली बहना योजना पर अब कहीं न कहीं जो है प्रश्न चिन्ह बन गया है। क्या ये योजना आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी तो 3000 तक जाएगी या फिर यहाँ पर रुक जाएगी, क्योंकि जो नया आदेश सामने आया उस हिसाब से लाडली बहना योजना अंतर्गत परित्याग करने के संबंध में, यानी जिन बहनों को यहाँ पर इस योजना का लाभ मिला है वो परित्याग कर दे, क्योंकि इसके कुछ नियम और शर्तें भी रही हैं और इन शर्तों के खिलाफ कुछ यहाँ पर महिलाओं ने यहाँ पर सीधे तौर पर इस योजना का लाभ लिया है, तो उनके संबंध में ये आदेश जारी हुआ। जिसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो परियोजना सागर ग्रामीण 2 के यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी यहाँ पर कार्यकर्ता, सहायिका या स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य द्वारा लाडली बहना योजना जो कि शासन द्वारा निर्धारित शर्तें थी उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है, तो 15 दिवस के भीतर आप यहाँ पर जो राशि है उसका परित्याग कर दे, अन्यथा शर्तों के खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार की यहाँ पर जो है जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो लेटेस्ट अपडेट जो सामने आ रही है मध्य प्रदेश पीओ में से, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे पूरी, इस पर देखिए इसमें लाडली बहना का जिक्र नहीं है। यहाँ पर 10 प्रमुख संकल्प पत्र में जो यहाँ पर बातें हैं, जिसमें सशक्त नारी और जनजातीय कल्याण, सबका साथ सबका विकास, स्वस्थ प्रदेश, सुशासन एवं कानून, समृद्ध किसान, उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा, शूद्रण आधारभूत संरचना, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन जैसे कई यहाँ पर बिंदुओं पर चिन्हित किया गया है, लेकिन लाडली बहना इस यहाँ पर 10 प्रमुख भाग में शामिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये आश्वासन लाडली बहनों को दे चुके हैं कि वो इस योजना को आगे जारी रखवाएंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत मिली है तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिली है, इस तरह की उन्होंने लाडली बहनों को आश्वासन दिया। लेकिन लाडली बहनों को लेकर एक और बड़ी जो खबर सामने आ रही है, उसमें यहाँ पर योजना बंद करने के विचार पर विचार किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर लाडली बहना योजना को बंपर जीत का आधार बताया गया है। इस पर कई राजनीतिक चाणक्य भी इस पर पुष्टि कर चुके हैं। इसके अगर बात की जाए तो करीब यहाँ पर 1.32 करोड़ बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें 1250 रुपए दिए जा रहे हैं और इसको 3000 रुपए तक करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो ऐसे में इस योजना पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, क्या ये योजना आगे चलेगी ये तो 10 तारीख को आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर योजना पर प्रश्न चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान फिर अगला कदम क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस कार का बयानबाजी वो दे चुके हैं कि ये योजना आगे जारी रहेगी। जबकि अगर बात की जाए तो IPL को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ चौंकाने वाला ऐलान हुआ है। हार्दिक पांड्या अब यहाँ पर मुंबई इंडियंस के नए कप्तान होंगे। रोहित शर्मा की जगह अब हार्दिक पांड्या को मिली है। इससे पहले रोहित शर्मा यहाँ पर 5 बार जो है मुंबई इंडियंस को यहाँ पर खिताब दिला चुके हैं, लेकिन बड़ा फैसला यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने किया है और यहाँ पर गुजरात लायंस के यहाँ पर कैप्टन यहाँ पर हार्दिक पांड्या थे, लेकिन अब वो एक बार फिर से मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस से वो गुजरात में गए और गुजरात में कहीं ना कहीं उनको जो सफलता मिली उसके बाद एक बार फिर से वापसी हुई है मुंबई इंडियंस में, लेकिन इस बार कैप्टन के तौर पर। तो यहाँ पर रोहित शर्मा को बड़ा झटका यहाँ पर दिखाई दिया है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर एक और बड़ी खबर है कि मोहन यादव का बड़ा एक्शन में और हड़कंप दिखाई दिया है, जहाँ लाउड स्पीकर अब उतर गए हैं और यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बिल्डोजर चला है और यहाँ पर सीधे तौर पर एक्शन में अब नए मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी बड़े एक्शन दिखे हैं। CM मोहन यादव का बिल्डोजर एक्शन शुरू हो चुका है। फारूक राइन पर NSA के तहत एक्शन लिया गया है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो अगली बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो केजरीवाल को लेकर सामने आ रही है। केजरीवाल फिलहाल गायब नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस कार से
दिल्ली की सड़कों पर अब वृद्ध लोग यहां पर दिखाई दिए हैं और यहां पर बात की जा रही है केजरीवाल को लेकर, तो 21,000 रिटायर्ड यहां पर डीटीसी कर्मियों की पेंशन रुकी हुई है, 5 माह से उनको पेंशन नहीं मिली है, जिस कारण से सड़कों पर अब पेंशन की मांग को लेकर अब धरना प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 5 से 6 बड़ी आपको खबरें दिखाई हैं और उसमें अगर बात की जाए तो लाडली बहना योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना मानी गई है। आपको क्या लगता है, प्रिया रखिए मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।